हेलो फ्रेंड, साईं रसोई में आपका स्वागत है। नमस्ते फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पनीर। तो उसके लिए हमने लिया है आधा किलो पनीर, 3 बड़े टमाटर, 2 प्याज, आधा शिमला मिर्च, कसूरी मेथी, पनीर मसाला, थोड़ा खड़ा मसाला, हींग जीरा, थोड़ी दही, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो दोस्तों, पहले हम पनीर को कट करते हैं। इसको थोड़ा इस तरीके से काटेंगे, ये देखिए, इसे इस तरीके से काटना है, थोड़ा मोटा काटना है इसे। इसके पीसेस मोटे होंगे तो अच्छे लगेंगे। इसी तरीके से हमें सारा पनीर काट लेना है। तो देखिए, पनीर हमारा कट चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर। अब हम इसमें थोड़ी सी दही डाल देंगे, थोड़ी सी दही डालेंगे बस। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से, हाथ से भी कर सकते हैं। देखिए, मसाला लग चुका है सब पे। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए हटा देंगे और हम टमाटर और प्याज को कट करने जा रहे हैं। तो प्याज हमें बारीक काटनी है। देखिए, हमने प्याज काट ली। अब इसी तरीके से हम टमाटर को काटेंगे, लेकिन उसको छील के। तो छील लेंगे, इसका छिलका उतार देंगे, मोटा छिलका है इसलिए उसको उतार देंगे। हाँ, तो प्याज टमाटर कट चुके हैं हमारे। अब हम शिमला मिर्च काटने चल रहे हैं। तो शिमला मिर्च को हमें इस तरीके से काटना है, देखिए, बिल्कुल पतले पतले इस तरीके से, वो ताकि मसाले भी गल जाए। हाँ, तो शिमला मिर्च काट चुके हैं हम। अब हम गैस जलाने जा रहे हैं। अब हमने गैस जला ली है। अब हम इसमें तेल डालने जा रहे हैं कढ़ाई में, थोड़ा सा तेल डालना है। अब तेल पक चुका है। अब हम इसमें पनीर फ्राई करेंगे। थोड़ी देर गैस बंद कर देंगे। हाँ, तो पनीर इसमें हमने डाल दिया है। अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है, वरना टूट जाएंगे। अब हम गैस चालू कर देंगे। अब इसके बाद में ये हमें इस तरीके साइड में करने हैं, जो पहले पीसेस डाले थे ना, उसके बाद में दूसरे पीस इस साइड में डाल देते हैं। इस तरीके से ये पीस डाल देंगे इसको। अब ऐसे डाल देते हैं, सारे पीस डाल चुके हैं। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। पलट देंगे, बहुत अच्छे यहाँ पर पलटना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे निकाल लें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का फ्राई करना है, निकाल लेते हैं। देखिए, पनीर हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे पकाने चल रहे हैं। देखिए, तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ा पकेगा, उसके टाइम पर रुकेंगे। तेल पक चुका है हमारा। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज ब्राउन कर देंगे अच्छे से। देखिए, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं हल्की। अब इसी में हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को खूब अच्छे से गला लेना है। टमाटर के साथ हमने जो शिमला मिर्च काटी थी, इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। टमाटर शिमला मिर्च गल ना जाए, तब तक हम इसे पकने देंगे। हाँ, तो अच्छे से टमाटर गलने लगे हैं। अब इसमें हम थोड़ा मसाला ऐड करेंगे, लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च डालनी है, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी,
फिर आधा चम्मच हमने पनीर मसाला डाला है इसमें। देखिए इस तरीके से हमने बीच में ये गोला बना दिया है, इसके अंदर हम ये हींग जीरा डालेंगे, खड़ा मसाला डाल देंगे। अब थोड़ा इस मसाले को भुन जाने देंगे, फिर हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे, इस तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए इसको खूब अच्छे से गला देना है, ये खुशबू आएगी बहुत। अब देखिए इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। अब इसी में हम ये एक चम्मच दही ऐड कर देंगे, इसे चला देना अच्छे से। अब देखिए मसाला पक चुका है, कलर भी आ गया और तेल भी अलग हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इस तरीके से, फिर इसे 5 मिनट ढक के रख देंगे हम। हाँ तो 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम इसे देखते हैं उघाड़ के। देखिए जो पानी डाला था वो पक चुका है और थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें ये कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे। अब देखिए ये इतना नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं इसमें पनीर में भूनते हुए, इसलिए हम इसे इस तरीके से चला देंगे। ठीक है, हम लोग सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, जो भी नमक इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से डाल लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा टमाटर सॉस डाल देंगे इसमें, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाए। अब हम इसमें पनीर ऐड करने जा रहे हैं, इसको चला देना है। अब हमने इसे थोड़ा सा चला दिया, अब इसे हम 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। हाँ तो अब हम इसे उघाड़ने जा रहे हैं, 2 मिनट हो चुके हैं पूरे, देखते हैं। वाह देखिए क्या खूब बना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं, तो देखिए अब हमने पनीर को सर्व कर दिया है। अब आप देखिए मसाला पनीर कलर भी कितना सुंदर आया। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा हरा धनिया इस तरीके से ऐड कर देंगे, थोड़ा हरा धनिया ऐड कर देंगे। देखिए हमारा मसाला पनीर कितना अच्छा बना है, कलर भी कितना सुंदर आया है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।